गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स एंड आई वेलकम यू। देखो कि पिछले लेक्चर में आपसे हमने बताया कि राउट्स लॉ क्या होता है। राउट्स लॉ ये कह रहा है कि जो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस बनते हैं और वो वोलाटाइल होते हैं, तो वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। बोलो, यही बोला था उसने? हाँ जी सर। तो हमने आपको डेफिनेशन बताई और उसके पर सारा ग्राफ भी बना के दिखाया, ठीक है? क्या क्या किया हमने स्टूडेंट्स कि हमने बताया स्टूडेंट लास्ट टाइम कि राउट्स लॉ क्या होता। तो राउट्स लॉ ने ये कहा कि अगर कोई भी कंपोनेंट है सॉल्यूशन के अंदर, कोई भी सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट है, P1 है मान लो, तो अगर उसका जो वेपर प्रेशर, जो पार्शियल प्रेशर होगा सॉल्यूशन का स्टूडेंट फॉर कंपोनेंट वन विल बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट वन इन टू द मोल फ्रैक्शन, यही उसने बोला। और अगर दो कंपोनेंट थे तो उसने कहा P02 Ka2। ये फार्मूले दिए राउट्स लॉ ने, दैट वेपर प्रेशर क्या क्या बोलता है ये, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, यही बोला। बोलो यस और नो। हाँ जी। और इस फार्मूले का हमने यूज किया और एक टोटल फार्मूला, टोटल प्रेशर भी उसने निकाला बाय यूजिंग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्या होता है? सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ईच कंपोनेंट। भाई दो कंपोनेंट सॉल्यूशन में थे, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट, दोनों के वेपर बने, तो टोटल जो पार्शियल प्रेशर बना कंपोनेंट वन का और पार्शियल वेपर प्रेशर बना कंपोनेंट टू का, तो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में क्या बना? P1 + P2। तो आपको हमने ये फार्मूला बताया P1 + P2 और इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आंसर निकला था? P1 ≠ 0, दिए वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट वन का था स्टूडेंट्स, और फिर ये मोल फ्रैक्शन टू की है, तो हमने कहा कि P02 - P01, यही फार्मूला बनाया था टोटल प्रेशर का। बोलो, बना था? हाँ जी सर। तो टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं अगर मैं वेपर प्रेशर एक कंपोनेंट का पता है, मोल फ्रैक्शन पता है और वेपर प्रेशर दोनों कंपोनेंट का पता है, जो ज्यादा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा स्टूडेंट्स उसके वेपर ज्यादा बनेंगे, जो ज्यादा वोलेटाइल है उसके वेपर बनेंगे, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो किस पर डिपेंड करेगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट। और वो किस पर डिपेंड करता है? इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के। तो जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी वो क्या होगा कि उसके वेपर ज्यादा बनेंगे, जिसके मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होंगी वो मॉलिक्यूल आपस में ज्यादा एनर्जी से जुड़े हुए हैं, ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े हुए हैं, तो उनका वेपर प्रेशर कम होगा। बोलो सही है। तो डाई इथाइल ईथर, जैसे मैंने लिखा कि C2H5O C2H5 लिखा और मैंने लिखा H2O, बताओ कि इसमें से वेपर प्रेशर किसका कम होगा? डाई इथाइल ईथर का कम होगा, वेपर प्रेशर के ज्यादा होगा। जल्दी से जबरदस्ती आंसर देने से पहले सोच तो लो मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है। ये H2O का कम होगा डाइएथाइल ईथर से। क्यों कम होगा? क्योंकि H2O में क्या होता है? में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, ये देखो आपने सही क्वेश्चन किया है, पेपर में आया था क्वेश्चन, इसलिए दोबारा से पूछ लिया तुमने। कोई भी क्वेश्चन पेपर में आता है, चॉइस आती है, पहले सोच लो स्टूडेंट, जल्दबाजी में आंसर मत करना। मैंने पहले भी तुम्हें बताया कि जल्दबाजी में तुम्हारा आंसर हमेशा गलत निकलता है और तुम समय लेके दिमाग से सोच के आंसर देते हो, हमेशा सही होता है। तो फिर तुम जल्दी क्यों देते हो? तुम्हारी इंटेलिजेंस इतनी अभी नहीं आ गई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि तुम एकदम क्वेश्चन के आंसर कर दो। इतनी प्रैक्टिस मैंने नहीं की, अगर बहुत प्रैक्टिस हो जाती है स्टूडेंट्स को तो वो कर सकते हैं, अभी वो वक्त नहीं आया। इसलिए तुम्हें मैंने कहा कि भाई आपके दिमाग एक पैराशूट कितना है, आप उसको खोलेंगे, सोचेंगे, फिर आंसर करेंगे। जल्दबाजी में कोई भी स्टूडेंट आंसर नहीं करेगा। आपके साथ ही नहीं है, सभी स्टूडेंट के साथ यही हो रहा है। समझ में आ गया? पहले आंसर गलत, फिर दोबारा सही क्यों निकला? फिर आपने सोचा इसके बारे में, भाई वेपर बन रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा, जहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं पेपर में। हाँ भाई, आगे भी बता रहा हूँ कि वो देखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर ही बनेगा सब कुछ। और तुम्हें बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन बनाते हैं? जब हाइड्रोजन किसके साथ लगी होती है? ऑक्सीजन के साथ। जब हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ, और किसके साथ होती है? नाइट्रोजन के साथ, तो तब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। पता है तुम्हें इस बात का? ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और बहुत छोटे साइज के हैं, और ये फिर पॉजिटिव हो जाता है
और ये नेगेटिव हो जाता है, और सिर्फ तीन के साथ ही बनती है, बाकियों की तो बहुत वीक होगी। समझ में आ गया? जी सर। अच्छा, वेरी गुड। देखो मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए, इंटरेक्ट करते रहिए, तुम्हारी इंटेलिजेंस में कोई कमी नहीं है। लेकिन देखो, अगर हमने हार्डवर्क नहीं किया और अगर हमने प्रैक्टिस नहीं की तो हम फिर मार्क्स अच्छे नहीं ले सकते, ये बात बिल्कुल क्लियर है। स्कूलों में अभी आपका कोर्स कुछ हुआ नहीं तो बाहर से ही आप अपने आप ही सारी तैयारी कर रहे हो इस साल, तो ये मत समझना कि पेपर बहुत आसान आएंगे, उससे कोई इजी पेपर आने वाले नहीं है। पेपर का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है और वो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। जिन स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, जो सिर्फ रट्टेबाजी करेंगे, वो नहीं कामयाब हो सकते। तो आपको समझना है, समझने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना है, बस इतना सी बता रहा हूँ। आप मेरे से क्वेश्चन पूछिए, डाउट पूछिए, मेरे साथ बने रहिए। अटेंशन 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 दीजिए। मैं एक एक वर्ड बोलता हूँ, उसका बहुत अच्छा मीनिंग होता है। मुझे भी दिमाग लगाना पड़ता है, अगर मैं जल्दबाजी में करूंगा तो मैं भी आउट हो जाऊंगा। अब हर चीज को हम समझा रहे हैं। देखो ये वेपर प्रेशर इसका ज्यादा बना, इसमें फोर्स कम थी, इसमें ज्यादा थी क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन में होती है मैंने ये भी बता दिया, ऐसे कंपाउंड, ऐसे बॉन्ड जो कोवलेंट होंगे उनमें होगी, बाकियों में नहीं होगी। और उसके बाद इसने क्या किया कि ये बताओ कि जो काई वन था और काई टू था, ये मोल फ्रैक्शन किसकी थी, जल्दी से बताओ। कंपोनेंट वन की, ठीक है, जी लेकिन ये किसमें थी, सोल्यूशन में, लिक्विड के सोल्यूशन में। और काई टू क्या थी, मोल फ्रैक्शन किसकी थी, ये मोल फ्रैक्शन बता रहा हूं मैं, कंपोनेंट टू की किसमें, सोल्यूशन में, लिक्विड में, जो सोल्यूशन बना था। तो हमने कहा कि अगर हमें कंपोजिशन चाहिए वेपर में, के अंदर वेपर के, जब उनके वेपर बन गए तो वो गैस में आ गए, गैस में आ गए, तो वेपर में अगर कंपोजिशन चाहिए तो मैंने कौन सा लॉ यूज किया था, जल्दी से बताओ। फिर हमने कहा कि एक डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर होता है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है। अगर मैं ये कहूं कि वाई वन जो है मोल फ्रैक्शन है किसकी, कंपोनेंट वन की, कंपोनेंट वन की किसमें, गैस फेज में, सॉल्यूशन। और वाई टू अगर कंपोजिशन है, मोल फ्रैक्शन है स्टूडेंट, मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट टू की किसमें, गैस फेज में। तो इसके लिए मैंने कौन सा फार्मूला तुम्हें बताया था, जल्दी से बताओ, आपको 1 मिनट का वक्त मिल रहा है। कौन सा फार्मूला मैंने लगाया था इसके लिए स्टूडेंट्स, क्या मैंने बताया था, P1 इज इक्वल टू Y1P टोटल। टोटल प्रेशर, हाँ जी। वेरी गुड, टोटल प्रेशर। तो आपका P1, अगर मुझे टोटल प्रेशर मिल जाए, टोटल प्रेशर कहाँ से मिलेगा, ये इक्वेशन से मिलेगा, या ये टोटल प्रेशर है ना PT, तो टोटल प्रेशर मेरे को पता लग जाए, और अगर मुझे P1 पता लग जाए पार्शियल प्रेशर वन का सोल्यूशन में, पार्शियल प्रेशर वन का सोल्यूशन में, P1 क्या है, P1 क्या है, पार्शियल प्रेशर वन का सोल्यूशन में है, और ये P1 की वैल्यू किसके बराबर है, अगर मैं एक जनरल कर दूं PI इज इक्वल टू YI इंटू P टोटल तो चलेगा। मतलब कोई भी लिख दूं, I चाहे कंपोनेंट वन लिखूं चाहे कंपोनेंट टू लिखूं, उससे क्या फर्क पड़ेगा, दोनों का ही निकाल सकता हूं। बोलो सही रहेगा ये फार्मूला, तो हाँ जी सर। जनरल फार्मूला कर दिया। तो PI की वैल्यू क्या होती है, यहां से राउट्स लॉ से निकलेगी, PI इज इक्वल टू PI क्या होता है, PI जीरो इंटू एक्स आई हाँ जी, इज और इक्वल वाई टू इज पी वाई इज टी। इक्वल टू तो वाई। यहां पर अगर मुझे ये निकालनी है तो हाँ फिर जी मैं इस फार्मूले को यूज कर सकता हूँ, इसको भी यूज कर सकता हूँ, इसको भी कर सकता हूँ, इसको भी कर सकता हूँ। ये Y1 आ गया मेरा, P1 by P टोटल। तो इस तरह से ये Y1 निकालना है, तो मैं एक फार्मूला और बना सकता हूँ। तो ये जो मैं कंपोजिशंस निकालता हूँ स्टूडेंट, कंपोजिशंस निकाल रहा हूँ, कोई भी मिक्सचर बनता है उनकी कंपोजिशन से निकाल रहा हूँ। ये मैंने सोल्यूशन में निकाली मोल फ्रैक्शन, और ये मैंने कंपोजिशन किस में निकाली, गैस फेज में, गैस फेज में मैंने निकाली स्टूडेंट। कंपोजिशन क्या होगी, कितने गैस में कितना वेपर बनेगा, गैस में कितना कितने मोल फ्रैक्शन बनेगी वाई की, तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ वाई। तो PI0 ये काई आई है, और इसको मैंने टोटल प्रेशर से डिवाइड कर, टोटल प्रेशर से मैंने डिवाइड कर दिया स्टूडेंट्स, तो मेरे को ये आंसर मिल जाएगी, मोल फ्रैक्शन मतलब कंपोनेंट वन की और टू की गैस फेज में मैं निकाल सकता हूँ। बोलो ये फार्मूला क्लियर है। जी अच्छा, वेरी गुड। मैंने कहा तुम्हारे अंदर इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है,
और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आ जाए और तुम्हारे दिमाग को थोड़ा रगड़ा जाए ताकि वो क्वेश्चन करने में कामयाब हो जाए पेपर में। अब ये फार्मूले तैयार हो गए तुम्हारे, जी हो सर। गया। अब एक क्वेश्चन आ गया पेपर में, न्यूमेरिकल आ गया। लो अब न्यूमेरिकल आपको आ गया, इसी पे यही, ये मैंने फार्मूले बना दिए, इस पे एक न्यूमेरिकल आ गया। न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, आपको पता है कैसे सॉल्व करेंगे। आपको 2 मिनट का वक्त है सिर्फ इसको सॉल्व करने के लिए, फिर मुझे ही करना पड़ेगा। आप पहले सोच लो, क्वेश्चन पढ़ लो अच्छी तरह, और ये फार्मूला मैंने दोबारा से सारा का सारा आपको लिख दिया है, इसी को यूज करके ये आंसर करने हैं। एक ग्राउंड्स ला, और ये वाले जो मैंने दूसरे यूज किए, डाल्टन्स ला पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का जो ला था वो डाल्टन ने दिया था स्टूडेंट्स। तो दो ही फार्मूले हैं जिनसे हम कंपोजिशन लिक्विड के अंदर और गैस के अंदर निकाल सकते हैं। कंपोजिशन का मतलब मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, और टोटल प्रेशर का फार्मूला ये है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, वो कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म एंड डाई क्लोरो मिथेन, दोनों के वेपर प्रेशर हमें दिए हैं स्टूडेंट, दोनों के वेपर प्रेशर दिए हैं। टेम्परेचर 290, क्योंकि वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हमने क्लासियस क्लेपर इक्वेशन दिखाई थी आपको, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, तो दोनों का टेम्परेचर सेम है। 200 मिलीमीटर दिया है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी और 500 मिलीमीटर, तो हमें यूनिट दिए रखे हैं, वो इसी को यूज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि प्रेशर के यूनिट एटमोसफियर भी होते हैं, टॉर भी होते हैं। 760 मिलीमीटर जो होता है वो पता है, 1 टॉर होता है। तो कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर का फार्मूला ये है मेरे पास, बोलो है। तो हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी पड़ेगी, काई टू किसकी, जो भी यहाँ पर हमने ऐड किया सोल्यूट, सोल्यूट जो ऐड किया उसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन हम निकालेंगे और उसको फार्मूले में रखेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे और उसको फार्मूले में रखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो आप इसका निकालिए आंसर, पहले जो गिवन होता है उसको लिख लेना चाहिए स्टूडेंट्स। देखो इसको मेरे साथ बने रहना, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वो कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, मतलब ये मेरा पी नॉट है स्टूडेंट, किसका, CHCl3 का। कितना है बताओ, कितनी वैल्यू है इसकी क्लोरोफॉर्म की, 100 मिलीमीटर। मिलीमीटर अच्छा, और क्या दिया है मेरे को, पी नॉट ऑफ क्लोरोमेथेन का भी दिया, कितना दिया है, 415 मिलीमीटर। अच्छा जी, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, हाँ जी तो इसका मतलब इसके वेपर ज्यादा बने हैं। हाँ जी तो इस फॉर्मूले में ये P02 इज ग्रेटर देन P10, तो ये P0T, ये मेरा P02 है और ये मेरा P01 है, ठीक है, बोलो सही है। हाँ जी सर। अच्छा, ये वैल्यू मेरे को मिल गई। अब मेरे को मोल फ्रैक्शन निकालनी है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे। अब और क्या दिया इसने, वेपर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, कितने ग्राम, 25, 25.5 ग्राम। क्लोरोफॉर्म का मास कितना दिया है, वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना दिया इसने, 25.5। अच्छा वेरी गुड, मुझे मेरे साथ रहना, मेरे को बताते रहना। अब इसका मॉलिकुलर मास निकालना पड़ेगा, कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, क्लोरीन का 3 × 35.5 है, तो ये कितना आएगा, इसको निकाल के रखो।
अब इसका वेट कितना दिया बताओ तुम मेरे को फोर्टी तो। फोर्टी ग्राम अच्छा W, ये किसका CH2? अगर मैं कोई गलती करूँ तो मुझे बता देना, मैं मेरे से मिस्टेक हो जाती है, तुम्हारा तुम ज्यादा मेरे से शार्प हो माइंड में। अच्छा इसका वेट कितना है CH2Cl2 का? 40 ग्राम। 40, हाँ जी। चलो मैं ग्राम लिख देता हूँ। इसका मॉलिकुलर मास भी निकालो, CH2Cl2 का कैसे निकालोगे? कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 2 हो गया, और क्लोरीन का 35.5 × 270 हो गया। चलो इसका भी निकालो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास? 119.5 आ रही है ग्राम पर मोल होता सर वो क्या लिखा है आपने, 3 × 33 क्या लिखा है, थ्री 35.5 इंटू पॉइंट फाइव है ना क्लोरीन का एटॉमिक मास इंटू थ्री। सीएल का 35.5 होता है ना, 3 थे ना सीएल, इसमें 3 × 35.5 हाँ जी, है। ओके सर। इसको मैं और ठीक कर देता हूँ अगर कोई डाउट है। एटॉमिक मास क्लोरीन का हमें पता है कितना होता है, 35.5। ठीक है, तो ये इनके एटॉमिक, ये इनके मॉलिकुलर मास आ गए। तो मोल कैसे निकलते हैं? मैं मोल किसके निकाल रहा हूँ, क्लोरोफॉर्म के मोल कितने आएंगे भाई? क्लोरोफॉर्म के मोल कितने आएंगे? जो मास होता है W/ मॉलिकुलर मास होता है फार्मूला, तो वेट कितना है उसका? 25.5 ग्राम दिया है मुझे स्टूडेंट, और ये 109.5 ग्राम पर मोल दिया होगा। तो ये इसके मोल आएंगे, इसके मोल कितने आएंगे फिर? CH2Cl2 के मोल्स भी निकालो, 40/ ये कितना आया था? 35.5 × 270 हो गया 72, 84 आया था, ये कितना आया था? 35.5, 71 आएगा, तो ये कितना आएगा? 85 ग्राम पर मोल। क्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक मास? 35.5। ठीक है, हाँ और बाकियों का तो पता ही है, हाइड्रोजन का 1 और कार्बन का 12। चलो अगर कोई डाउट है, कार्बन का 12, सर, ये इसका 85 कैसे है? अरे क्या आएगा फिर? कार्बन का 12, हाइड्रोजन के 2, और ये 71 हो गया। थर्टी अच्छा ठीक है, मैंने पढ़ फाइव लिया पॉइंट अपने। फाइव हाँ इंटू टू कितना आएगा? जी, तो 85 ही तो आएगा। ये लो, ये इनके हाँ मोल्स आ जी, गए। क्लोरोफॉर्म के कितने मोल आए? मोल ऑफ CH2Cl2, इसको निकालेंगे तो स्टूडेंट्स ये 0.47 आने वाले हैं, और इसके कितने आने वाले हैं? ये 0.47 आए हैं किसके? 0.47 नहीं, गलत हो गया, इसको चेक करना पड़ेगा। ये CHCl3 के मोल्स कितने आएंगे? इस वैल्यू छोटी आएगी उससे, ये 0.213 आएगी स्टूडेंट, चेक कर लो मोल। और इसके कितने आएंगे? 0.47 मोल। तो मोल मिल गए। अब मुझे मोल फ्रैक्शन किसकी निकालनी है? जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। यहाँ पे देख रहे हैं ना P02, तो X2 का I2 किसका वेपर हाँ प्रेशर जी, ज्यादा दोनों में से? इसका। A2 का। हाँ जी, तो इसके मोल फ्रैक्शन निकालो CH2Cl2 के। कैसे निकालते हैं? मोल ऑफ दिस डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। टोटल मोल कितने हैं? 0.47 प्लस 0.213। ठीक है, मैंने यही किया। ठीक है, CH2Cl2 के मोल कितने आए स्टूडेंट्स? ये आएगा 0.688, ये मोल फ्रैक्शन इसकी आ गई। और इसकी फिर कितनी आएगी? 1 में से माइनस कर दूं तो इसकी आ जाएगी। लो इसके मोल फ्रैक्शन कितनी हो गई? 1 − 0.688। बोलो सही है, मैंने ठीक हाँ किया? जी, हाँ जी, दोनों का सम 1 होता है ना, Ki1 + Ki2। अभी तक कोई गलती मैंने नहीं की, बोलो की है? नहीं सर। तो अब इसमें फार्मूले में वैल्यू रखो, फिर क्या दिक्कत आ गई? पहले तो क्या बोल रहा है, क्या क्या निकालना है हमें? वेपर प्रेशर ऑफ दिस, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का फार्मूला क्या है? टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कितना है? P10, P10 plus ये Ki2। मेरा P2 है, ये मेरा 1 है, और ये मेरा कंपोनेंट 2 है, ये वाला। ठीक है, तो P10 की वैल्यू कितनी है जल्दी से बताओ? कितनी है इसकी? 200 मिलीमीटर है। 200। अच्छा वेरी गुड। अब मोल फ्रैक्शन कितनी निकाली है इसकी?
काई टू की, जीरो काई टू की। हाँ ये टू वाले का ही है ना यहाँ पे, काई टू P02 वाले का, जिसका प्रेशर ज्यादा था 0.688। और P02 कितना है, वेपर प्रेशर कितना है कंपोनेंट टू का, जल्दी से बताओ। 415। अच्छा वेरी गुड। माइनस कितना करोगे, B10 200 200 200, तो ये भी आ गया मिलीमीटर में। अब बताओ इनकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो टोटल प्रेशर आएगा कितना आएगा। अब ये कैलकुलेशन है, अब तुम्हारे पास कैलकुलेटर है या नहीं है तो कैलकुलेटर से अभी कर सकता हूँ मैं, एग्जाम में जो भी करना पड़ेगा। तो टोटल प्रेशर आ गया, ये 200 है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा स्टूडेंट। ये मैं बता दूं आपको, इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है 347.9 मिलीमीटर ऑफ Hg, मिलीमीटर मरकरी लिखा जाता है इसको। तो ये टोटल प्रेशर आ गया, अब क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस कह रहा है वो, क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस। तो वेपर फेस में कैसे निकालते हो, फार्मूला क्या है, ये वाला फार्मूला है वेपर प्रेशर का। तो पहले इनका पार्शियल प्रेशर निकाला जाए, P1 का पार्शियल प्रेशर, P1 वाले का मतलब P1 कौन सा है, PCHCl3 का कैसे निकलेगा, P10 × Ka1। P10 की वैल्यू कितनी है बताओ, क्या लिखा हुआ है मैंने ऊपर, 200 मिलीमीटर, और Ka1 की वैल्यू कितनी निकाली तुमने इसकी, 0.318। ठीक है, ये आ जाएगा P1। हाँ जी, और फिर P2 निकालना, P2 मेरा कौन सा है, PCH2Cl2, इसका P0.02 × Ka2। P0.02 कितना है, 415 41 मिलीमीटर इंटू कितनी है इसकी मोल फ्रैक्शन, 0.688। चलो यहाँ पे ये दो वैल्यू आ जाएंगी मेरे पास। अब P1 आ जाएगा, Y1 निकालना है, टोटल प्रेशर मेरे पास को बस आ चुका है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी आती है P1 और P2 की स्टूडेंट, 200 को 0.318 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 62.4 मिलीमीटर ऑफ Hg आएगा। और ये अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट 415 को 0.6 से, 285.5 मिलीमीटर ऑफ Hg आएगा, ये पॉइंट है। ठीक है, हाँ जी, तो P2 का सोल्यूशन, ये वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में P2 का है, ये P1 का है। तो फार्मूला क्या है, PI का फार्मूला क्या निकाला है, YI × टोटल IITPT। प्रेशर। तो फिर Y1 मतलब ये वाला जो Y1 कौन सा है, YCHCl3 गैस फेज में, मैं गैस फेज में निकाल रहा हूँ कंपोजिशन। तो Y कितना हुआ, Y1 कितना हुआ, पी सी एच PI1H। सी एल थ्री डिवाइडेड बाई द टोटल प्रेशर। तो प्रेशर CHCl3 का कितना निकला, 62.4 मिलीमीटर, और नीचे टोटल कितना है प्रेशर हमारा, पीटी कितना निकाला था तुमने, पीटी कितना है, 347.9। ये दो दोनों के लिए सेम ही है टोटल, हाँ तो इससे जी, डिवाइड करो तो ये मिलीमीटर मिलीमीटर करके सिर्फ नंबर ही रह जाएगा Y1। और फिर Y2 की वैल्यू कितनी आई, Y2 मेरा कौन सा है, YCH2Cl2 वाला है, इसका प्रेशर कितना है CH2Cl2 का, और टोटल प्रेशर कितना है इसका, P2 285.5 है, और डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर कितना है, 347.9। तो ये वैल्यू मेरे को मिल जाएंगी स्टूडेंट्स। ठीक है, जी तो इनमें से ये वाली वैल्यू बड़ी आने वाली है, ये छोटी है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, इनको चेक करो, 285.5 को जब मैं डिवाइड करूंगा 347 से, ये 0.82 आने वाली है। ठीक है, और ये 1 में से माइनस कर दूं तो भी सेम आएगा, यहाँ कर दूं तो भी सेम आएगा, फिर ये कितनी बनेगी, 0.18।
गैस में जो मोल फ्रैक्शन है वो CH2Cl2 की 0.82 है और क्लोरोफॉर्म की 0.1 है। ये पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। बुरा कोई डाउट है तुम्हें? नहीं सर, अब देखो कि ये वाला ज्यादा बना है, कौन सा ज्यादा बना है? ये वाला, ये ज्यादा बना है, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, पहले भी 415 मिलीमीटर दिया हुआ है, दिया है ना, तो ये ज्यादा बना है हमारे पास, तो ये मोर वोलाटाइल है। जो ज्यादा वोलाटाइल होता है स्टूडेंट वो ज्यादा वेपर बनाएगा, सही है या गलत है जल्दी बताओ। सही है। हाँ, तो होता क्या है कि जो CH2Cl2 की डाइपोल मोमेंट कम हो जाती है, क्योंकि ये देख रहे हो ये जो CHCl3 है स्टूडेंट, ये टेट्राहेड्रल होता है, ये टेट्राहेड्रल होता है इस तरह से, ये ऐसे जा रहा है इनकी डाइपोल। और अगर मैं ये देखूं CH और ये Cl है और ये Cl है, ये H है, देख रहे हो ये क्या कर रहे हैं, इनकी डाइपोल कम हो गई है, ये कैंसल हो गई है ना, देख रहे हो ये टेट्राहेड्रल शेप में है, इनकी डाइपोल कम हो गई है, ये इनकी एक ही तरफ चल रही है सबकी, तीनों की, तो इसकी डाइपोल फोर्स ज्यादा है, डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, इसकी कम है, तो इसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स, इसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, इसके अंदर कम है, इसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स कम है, तो इसके वेपर ज्यादा बने हैं, जो वेपर ज्यादा बने हैं तो इसकी मोल फ्रैक्शन गैस में ज्यादा है, समझ में आई? हाँ जी, मोल फ्रैक्शन गैस में ज्यादा है, बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? हाँ जी, अच्छा वेरी गुड, पूरा क्वेश्चन हो गया, कुछ नोट करना है तो कर लो, आगे चलो। कर लिया अच्छा बहुत फास्ट है तुम्हारा, वेरी गुड। तो देखो स्टूडेंट्स, तुम्हें सारा समझ में आ गया भाई, बहुत तेज दिमाग है, मुझे तो बहुत दिमाग लगाना पड़ा है, लेकिन तुम तो बहुत फास्ट समझ लेते हो, अगर तुम लोग स्टडी कर लोगे तो पता नहीं फुल मार्क्स ले ही जाओगे, अब आपके ऊपर है, पूरा कोर्स कर लो, पूरा कोर्स कर लो। तो हमने स्टूडेंट्स इसका यूज किया है कि हम वेपर फेज में कंपोजिशन निकाल सकते हैं, लिक्विड में राउल्ट स्ला को लगाते हैं, और वेपर फेज के लिए हमने डाल्टन स्ला का यूज किया और दोनों की कंपोजिशन निकाल दी, ऐसा क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ सकता है, अब उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए सॉल्व करने, जिसके जो जो लेस वोलाटाइल है, जिसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स कम है, उसके वेपर ज्यादा बने हैं, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा, उसकी मोल फ्रैक्शन गैस फेज में ज्यादा आई, ज्यादा आई ना। अब देखो ये कह रहा है राउल्ट्स लॉ, और एक स्पेशल केस है हेनरीज लॉ का, एक क्वेश्चन आया था पेपर में, ये पेपर में क्वेश्चन आया था, शो दैट, इसीलिए मैंने ये ले लिया, राउल्ट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। अभी तक कितने लॉ पढ़े मैंने, हम दोनों ने पहले हेनरी पढ़ा था, लॉ, फिर हेनरी लॉ, तो फिर वो डाल्टन डाल्टन। पढ़ा, चलो ठीक है मेरे साथ बने रहिए, चलते रहिए। तो हेनरी लॉ जो था वो किसके लिए था? हेनरी ने ये दिया था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, किसके लिए दिया था? गैस इन लिक्विड, बोलो सही है, गैस सॉल्यूट थी और लिक्विड क्या था? सॉल्यूट। सॉल्व चलो, जैसे कि ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व है पानी के अंदर, पानी के अंदर तो एक्वाटिक लाइफ को ऑक्सीजन चाहिए होती है बहुत कम अमाउंट में, तो वो यूज करते हैं। इसका फार्मूला क्या था हेनरीज लॉ का, फिर अब मुझे बताओ मैथमेटिकल फार्मूला। एग्जाम में ये आया था क्वेश्चन कैसे करना था, तो हेनरी लॉ ने क्या कहा था, क्या बताया था? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन ए सोल्यूशन, इन ए सोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, इज प्रोपोर्शनल टू एक्स काई, और P इज इक्वल टू के एच इन टू KHX। का, ये हेनरीज लॉ का फॉर्मूला है, बोलो सही है गलत है? हाँ जी सर, यहां तक हमें याद हो गया, तुम्हें पक्का याद हो चुका है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आना है पेपर में। अब राउल्ट्स लॉ किसके लिए दिया था? राउल्ट्स लॉ कह रहा है कि लिक्विड इन लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड तो आपके पास एक लिक्विड है ठीक है, और दूसरा भी लिक्विड है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस हैं, दोनों वोलाटाइल है मान लो, तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि वेपर प्रेशर जो होता है लिक्विड का इन ए लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ एनी कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन ए लिक्विड सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल टू व्हाट? पी इज प्रोपोर्शनल टू स्टूडेंट व्हाट? पी जीरो
इनटू द मोल फ्रैक्शन, पी 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 नॉट जीरो इनटू द मोल फ्रैक्शन, ठीक है जी। हाँ जी, और अगर कोई कंपोनेंट है मैं लिख सकता हूँ पी आई इज इक्वल टू पी आई नॉट इनटू एक्स आई, ठीक है। तो ये राउट्स लॉ का फॉर्मूला है मैथमेटिकल मैथमेटिकल। चलो अब मैं दोनों को कंपेयर करूं, कंपेयर वन एंड टू, तो आपको क्या दिख रहा है? दोनों में पार्शियल प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन आ रहा है, इसमें के एच जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, यह भी एक कांस्टेंट है, और पी पी नॉट क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, यह भी कांस्टेंट होता है, ये सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करते हैं, वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ठीक है, बोथ आर कॉन्स्टेंट्स एंड डिपेंड ओनली ऑन किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर। बोलो सही है गलत है? तो एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर क्या होगा, तो हम ये कह सकते हैं ये तो दोनों कॉन्स्टेंट है, दोनों तो कॉन्स्टेंट है, therefore we can say student we can say that the proportionality constant differs in two cases only proportionality constant differs, ठीक है। proportionality constant क्या होता है, एक constant ही तो होता है, तो एक केस में proportionality constant के एच है, दूसरे में पी पी जीरो है, ठीक है। So in a special case में मैं कह सकता हूँ, then मैं कह सकता हूँ if KH is equal to P not zero, then Henry's law equal to Raoult's law। बोलो हो गया, यही प्रूव करना था, कोई डाउट रहा? बोलो, नहीं। आपने नोट कर लिया? एक मिनट सर, कर लो, ये क्वेश्चन आया था पेपर में, क्वेश्चन आया था। हो गया। अच्छा, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, अभी तक तुमने हेनरी ला कर लिया, राउट्स ला कर लिया, उनके ग्राफ कर लिए, उनका न्यूमेरिकल भी कर लिया तुमने, बहुत मुश्किल था वो न्यूमेरिकल, वो भी तुमने सॉल्व कर लिया, मैंने तो नहीं किया, तुमने किया। अब ये कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, देखो गैस को तुमने लिक्विड में डाला तो हेनरी ला बना, लिक्विड को लिक्विड में डाला तो राउट्स वाला। अब राउट्स ला का स्पेशल सेकेंड केस, ये भी एक सेकेंड केस ऑफ राउट्स ला, ये कह रहा है कि आपने सॉलिड को लिक्विड में डाल दिया, तो देखो सॉलिड को लिक्विड में डाल दिया मैंने, अब मेरा सॉल्यूट क्या है, सॉलिड, सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड, तो सॉल्यूट के तो वेपर बनते नहीं भाई, सॉलिड के कितने वेपर बनेंगे, सॉलिड का तो कोई वेपर प्रेशर बहुत ही निग्लिजिबल है, सही बात कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं भाई? लिक्विड तो आपने देखा पानी है, उसके वेपर बने थे, तिरके बने, लेकिन मैंने कोई सॉलिड ले लिया, सॉलिड ले लिया, बताओ सॉलिड क्या होता है, सॉल्यूट, इसके तो वेपर प्रेशर है नहीं, सॉलिड का वेपर प्रेशर क्या होता है, सॉलिड के वेपर बने हैं, बताओ किसी चीज में आपने डाल दिया सॉलिड तो होगा क्या फिर? तो अगर मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं स्टूडेंट कि आपके पास ये देखो, मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास ये है, हमारे पास स्टूडेंट्स एक लिक्विड, ठीक है जी, क्या है, सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के ये पार्टिकल्स हैं सॉल्वेंट के, बोलो हैं, ठीक है, हाँ जी। तो इसका वेपर प्रेशर मेजर करने के लिए आप इसको क्लोज करते हो, हर बार हमने कहा इसको बंद कर दो, ठीक है जी। अब जब इक्विलिब्रियम हो जाएगी, इसके कुछ वेपर होंगे ऊपर, ये इसके वेपर होंगे, जब इक्विलिब्रियम हो जाएगी स्टूडेंट, तो क्या होगा, इसका मैं मेजर कर लूंगा वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का, उसको मैंने पी नॉट जीरो बोला, P नॉट जीरो क्या, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, सॉल्यूट डाल रहा हूं, ये वाला सॉलिड, इसके अंदर सॉलिड डाल देता हूं मैं स्टूडेंट, अब क्या होगा,
तो इसके कुछ पार्टिकल जो सरफेस पे थे उनको सॉलिड पार्टिकल्स रिप्लेस कर देंगे, क्या करेंगे, सॉलिड के पार्टिकल रिप्लेस कर देंगे। तो बताओ कि अब जो वेपर प्रेशर होगा वो बढ़ेगा या कम होगा, सॉलिड के तो वेपर बनते नहीं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, नॉन वोलाटाइल। हाँ जी सर, ये नॉन वोलाटाइल है, इसके तो वेपर बने नहीं, सॉलिड का वेपर प्रेशर क्या है, जीरो, तो फिर इसके तो वेपर बने नहीं, तो अब किसका कारण वेपर बनेंगे, सिर्फ ये बताओ। लिक्विड के तो आप ये कह रहे हो अगर मैं ये कहूं P1 इज इक्वल टू P0 का I1, ठीक है जी, और मैं ये कहूं कि P2 इज इक्वल टू P0 2 और का I2, और ये P2 अगर मेरा सोल्यूट है स्टूडेंट्स, तो इसका तो ये वैल्यू जीरो है, इसका तो कोई वेपर प्रेशर होता ही नहीं, तो इसकी वैल्यू तो जीरो आ गई, तो टोटल प्रेशर फिर किसके कारण हुआ, P1 प्लस P2, तो P2 तो जीरो है, P1, तो P1 क्या है, P1 0 × X1, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा वेपर प्रेशर बना स्टूडेंट्स, जो वेपर प्रेशर मेरा बना वो किसके कारण बना, सिर्फ लिक्विड कंपोनेंट का, सॉल्वेंट के कारण, तो वो तो दूसरा जीरो हो गया, उसके तो पेपर बने नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किया, देखो ये प्योर था, ये प्योर के मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, जो भी हैं इनके मॉलिक्यूल्स वेपर बना रहे हैं, इसके अंदर मैंने ये सोल्यूट डाल दिया, दे दूसरे कलर के दिख रहे हैं ये वाले, जी ये वाले मैंने सोल्यूट वाले हैं, तो सोल्यूट के तो वेपर बने नहीं, सिर्फ ब्लू वाले ही हैं जिनके वेपर बने, तो वेपर प्रेशर यहाँ पे देखो ज्यादा वेपर्स थे, कितने थे, 3, 6, 8, यहाँ पे 4 रह गए, कम हो गया वेपर प्रेशर, हाँ जी तो प्योर सॉल्वेंट 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट 1 मोल ऑफ सोल्यूट, तो वेपर प्रेशर कम हो गया, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस स्टूडेंट, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू ए सॉल्वेंट, मैं क्या क्या कह सकता हूँ, वेपर प्रेशर जो होगा स्टूडेंट सोल्यूशन का वो डिक्रीज हो जाएगा व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड। बोलो सही है ये बात, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है, ये नॉन वोलाटाइल है, इसके वेपर बने ही नहीं, तो यहां पर तो सिंपल ये इक्वेशन रह गई स्टूडेंट। तो अगर मैं अब इसका ग्राफ बनाता हूं वेपर प्रेशर का, एक साइड पे मैंने वेपर प्रेशर लिया था पहले भी स्टूडेंट्स, और ये वेपर प्रेशर बढ़ रहा है स्टूडेंट, और दूसरी साइड मैंने लिया था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, अब सिर्फ सॉल्वेंट ही है, मोल फ्रैक्शन किसकी, सॉल्वेंट की, और मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी, 0 से 1 में होगी, बस 1 से ज्यादा तो मोल फ्रैक्शन होती नहीं, बोलो होती है क्या, जल्दी बताओ। नो सर, तो फिर 0 से, अगर जब मैंने मेरा 0 सॉल्वेंट था तो वेपर प्रेशर भी 0 ही होगा, अरे जब सॉल्वेंट ही नहीं है तो वेपर प्रेशर किस चीज का, नहीं, अब जब जब इसकी मोल फ्रैक्शन बढ़ती गई 0.1, 0.2, 0.3 स्टूडेंट, 0.4, तो क्या होगा इसका, 0.5, 0.6, 0.7, मैक्सिमम कितनी हो सकती है मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट की, 0.9। अरे 1 मैक्सिमम 1 हो सकती अच्छा, है ना, हाँ 1 जी के हाँ बाद जी तो हाँ जी 1 मतलब प्योर हो गया ना 1, हाँ जी हाँ जी बस सॉल्यूट तो है नहीं फिर, तो प्योर सॉल्वेंट है, तो जब यहाँ पे तो सोल्यूट ऐड करता जा रहा हूँ तो उसकी कम होती जा रही है, यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट डाल दो, प्योर सॉल्वेंट मतलब सोल्यूट का अमाउंट 0 है, का I2 0 है, जो भी मैं बना रहा हूँ स्टूडेंट, ये मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का दो चीजों से बन रहा है ना टोटल, का I1 प्लस का I2 1 होता है, अगर का I2 0 हो गया तो ये का I1 1 हो गया, ये फाइनल है, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा फिर बोलो, ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा स्टूडेंट्स, तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आने वाला है, ठीक है, बोलो सही मैंने बनाया ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही तो है, ये क्या है, वाई इज इक्वल टू MX प्लस C, सी तो 0 है, 0 से स्टार्ट हुआ है, और अगर ये 0 हो गई तो इसका 0 हो गया, अगर ये 1 हो गई तो ये फिर ये वाला, अगर ये 0 है तो ये 0 हो गया, अगर ये 1 है तो ये P1 0 के बराबर हो गया, P1 0 क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ये जो वैल्यू है मेरी स्टूडेंट्स, ये क्या शो कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बोलो सही है, ये वाली वैल्यू, ठीक है,
और ये वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का, जब सोल्यूट ऐड कर दिया वो कम हो गया, वो कम हो गया, कम हो गया, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट की बढ़ती गई वैसे वैसे उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ गया। बोलो ये ग्राफ सही समझ में आ गया? जल्दी से बताओ, कोई डाउट, कोई डाउट है? नहीं सर। अच्छा, तो आपको समझ में आया स्टूडेंट्स कि अभी तक हम राउट्स ला के कितने केस कर लिए। तो यही मैंने ग्राफ यहाँ पे दिखाया जो मैंने अभी बनाया, ये वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट है। वो कह रहा है इफ अ सॉल्यूशन ऑबेज रॉड्स लॉ एट फॉर ऑल कंसंट्रेशन इट्स वेपर प्रेशर वुड वेरी इन लीनियरली फ्रॉम जीरो टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो ये केस है रॉड्स लॉ का। तो कोई भी प्योर सॉल्वेंट होगा उसका ग्राफ ऐसे आने वाला है, ठीक है? अगर कोई भी सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट्स वो अबे क्या करता है रॉड्स लॉ को, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन जैसा। तो ये वेपर प्रेशर है, ये मोल फ्रैक्शन है, ये जीरो से स्टार्ट हुई थी, ये वन का मतलब क्योंकि काई वन प्लस काई टू वन होता है स्टूडेंट्स, तो अगर ये वन हो गया काई वन तो काई टू की वैल्यू फिर जीरो हो गई, तो ये प्योर सॉल्वेंट है। और अगर स्टूडेंट्स सल्यूट के तो पेपर बने ही नहीं, और अगर ये जीरो हो गया, जीरो हो गया तो फिर पी वन भी जीरो हो गया, तो इसलिए ये ग्राफ जीरो से स्टार्ट होके एक स्ट्रेट लाइन का करवा रहा है। ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का ग्राफ है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ही मैं बार बार यूज करता हूँ। इंटर सी की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, ये सी की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। बोलो सही है? इतना में आता है मैथ्स, बहुत बड़ा मैथ्स नहीं, छोटा मैथ्स कर रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया तुम्हें? बोलो। हाँ जी। अच्छा, वेरी गुड, मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ बातचीत करते रहिए, क्वेश्चन पूछते रहिए, डाउट को क्लियर कीजिए और चलते रहिए। आप देखो जी, अब दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं स्टूडेंट्स, एक होते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। एक आइडियल गैस पढ़ी थी ना हमने, तो आइडियल गैस क्या होती है बताओ? आइडियल गैस के अधीन विच ऑबेज द गैस लॉज एट ऑल कंडीशंस, उसे हमने आइडियल गैस बोला था। तो आइडियल सॉल्यूशन कौन से होंगे जो राउट्स लॉ को ऑबे करेंगे एट ऑल कंसंट्रेशन, उन्हें हम क्या बोलेंगे? राउट्स लॉ और आइडियल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशंस विच ऑबे राउट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन दे आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। तो मतलब आइडियल सॉल्यूशन वो होगा विच विल ओबे राउट्स लॉ स्टूडेंट्स एट ऑल कंसंट्रेशंस। तो राउट्स लॉ क्या कहता है? राउट्स लॉ तो ये कहता है जब सॉल्यूशन बनता है तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट आई इंटू का, यही यही कहता है ना राउट्स लॉ, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कहा उसने। बोलो, यही फार्मूला दिया ना। जी तो राउट्स लॉ का हमने ग्राफ भी देख लिया कैसा आता है, जो स्ट्रेट लाइन अभी तुम्हें बना के दिखाई है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आती है, कंपोनेंट वन का भी और कंपोनेंट टू का भी हमने बना के दिखाया था तुम्हें। तो ऐसे सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को ऑब्वे करते हैं उन्हें आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है। और आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होंगी और आइडियल सॉल्यूशन कौन से लिक्विड बनाएंगे? अब ये क्वेश्चन आ गया। अब आप मुझसे पूछोगे सर कि बताओ कौन कौन से लिक्विड्स हैं जिनको मैं मिक्स करूं तो आइडियल सॉल्यूशन बने। पहला क्वेश्चन तो यही था, व्हाट इज एन आइडियल सॉल्यूशन, इसका आंसर तुमने दे दिया। अब क्वेश्चन नंबर टू आ गया कि विच सॉल्यूशंस, विच लिक्विड सॉल्यूशंस विल ऑबे राउट्स लॉ। विल ऑबे राउट्स लॉ। तो आप को मैं कह रहा हूं कि भाई मेरे पास दो लिक्विड हैं, मान लो आप समझो कि एक लिक्विड ए है और एक मेरे पास लिक्विड बी है स्टूडेंट, ठीक है? बोलो मैंने सही लिखा? ये प्योर है दोनों। अब लिक्विड ए में कौन सी इंटरेक्शंस होती हैं, किस टाइप की इंटरेक्शंस हैं इनके इनके पार्टिकल्स में, इनके मॉलिक्यूल्स में स्टूडेंट? ए, इन्हें क्या बोलते हैं? ए ए इंटरेक्शंस। और बी में किस टाइप की इंटरेक्शंस हैं? बी बी इंटरेक्शंस।
ठीक है, बात समझ में आई? हाँ जी सर। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास एक लिक्विड है बेंजीन और एक लिक्विड है टॉलवीन, ये लिक्विड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं भाई। इसके अंदर बेंजीन के ही है मॉलिक्यूल्स, और तो कुछ है नहीं। बेंजीन बेंजीन के मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन है, इसमें टोल्यून और टोल्यून के मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन है। अब मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, मतलब सोल्यूशन बना दिया। तो सोल्यूशन में किस टाइप की इंटरेक्शन होंगी? ए बी टाइप। कौन सी होती है? ए बी टाइप। अब ए के अंदर बी भी आ गया, तो ए बी और ए बी इंटरेक्शंस भी होंगी। अगर ये ए बी इंटरेक्शन और ए ए और बी बी ऑलमोस्ट सेम है, अगर वो सिमिलर है स्टूडेंट्स, तो फिर क्या होगा बताइए? अगर ये इंटरेक्शन सेम हो जाएंगी, इनके अंदर जो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन है, इनमें जो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन है, उनको मिक्स करने के बाद अगर इंटरेक्टिव इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो सेम है स्टूडेंट्स, तो फिर क्या होगा बताओ? इफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी आर नियरली इक्वल, मैं ये कह रहा हूं, इफ इंटर अट्रैक्टिव मैं कह रहा हूं, इंटर अट्रैक्टिव, ठीक है, इंटरेक्शंस स्टूडेंट्स, इंटरेक्शंस बिटवीन ए बी बी आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू ए बी, फिर क्या होगा? तो आज ये आसानी से मिक्स हो जाएंगे भाई, दोनों की इंटरेक्शन सेम है, दोनों की इंटरेक्शन सेम है स्टूडेंट, तो ये फिर क्या बनाएंगे? एक आइडियल सॉल्यूशन बना लेंगे, दे विल फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। बोलो, मैंने सही बताया गलत बताया? जल्दी से बात समझ में आई? और अगर इनकी इंटरेक्शन सेम नहीं है, वो कैसी है इंटरेक्शन है भाई? इंटरेक्शन में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई मिक्स करने के बाद, या कोई और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस स्ट्रांग हो गई, तो फिर क्या होगा? फिर ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनेगा। अरे ये आइडियल सॉल्यूशन बनेगा तो राउट्स लॉ को फॉलो करेगा, आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनेगा तो ये राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। बोलो सही है गलत है? तो अगर ये ऑबे करता है तो ये आइडियल सॉल्यूशन विल ऑबे द राउट्स लॉ, और अगर ये इंटरेक्शन सेम नहीं होंगी तो फिर ये डेविएट करेगा। किससे डेविएट करेगा? राउट्स लॉ से। फिर इसका जो ग्राफ आएगा स्टूडेंट वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का, वो राउट्स लॉ से डेविएट कर जाएगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? जल्दी से बताओ। हाँ जी सर। अच्छा, वेरी गुड। तो अब कौन से लिक्विड हैं जिनके अंदर सेम अट्रैक्टिव फोर्स होती है? जैसे कि मैंने यहां पर लिखा बेंजीन और टोल्यून। एक को बेंजीन कैसा होता है? ये मेरा बेंजीन है और ये टोल्यून है। इनके अंदर, दोनों के अंदर कोई भी, मैंने प्लस माइनस चार्ज, इस तरह कोई डाइपल फोर्स नहीं है। ये दोनों के अंदर वीक वंडरवाल फोर्स होती है। कौन सी फोर्स होती है? वीक वंडरवाल अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। इस ये वाली लंदन डिस्पर्शन फोर्स होती है, तुमने पढ़ा था 11th में, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो इनके अंदर इंटरेक्शन सेम रहती है, जब ये और ये, इसकी इंटरेक्शन ये ए है मेरा, ये बी है, तो ए इसमें ए ए इंटरेक्शन थी, इसमें बी बी, जब मैंने मिक्स कर दिया तो ए बी बन गया दोनों को, उनकी इंटरेक्शन सेम रही ऑलमोस्ट, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये क्या बना देंगे फिर? आइडियल सॉल्यूशन। क्या बनाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन। पूछेगा गिव एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, तो तुम्हें ये एग्जांपल है। इसी तरह नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन है। हेक्सेन और हेप्टेन में क्या फर्क है? एक कार्बन का ही तो फर्क है। बोलो सही है गलत है? तो हेक्सेन और हेप्टेन अगर मैंने लिखे तो स्टूडेंट इनमें क्या फर्क है? इनमें सिर्फ कुछ भी नहीं है, ये मेरा हेक्सेन है, CH3, CH2, 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 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और हेप्टेन में एक कार्बन बढ़ जाएगा, क्या हुआ? CH3, CH2, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। लेकिन है तो दोनों में सेम कार्बन हाइड्रोजन है, और तो कुछ है नहीं। तो ये सिमिलर टाइप ऑफ इंटरेक्शन है, जब मैं मिक्स करूंगा, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, और अगर ए बी बना तो इनकी इंटरेक्शन क्या है? सिमिलर। बोलो सही है गलत है? तो बताओ ये कैसा सोल्यूशन बनाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन। इसी तरह ब्रोमो इथेन और आइडो इथेन है, इसमें ब्रोमीन की जगह आई रख दिया, दोनों हेलोजन फैमिली के हैं, ग्रुप 17 के हैं,
क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, इनमें क्या फर्क पड़ेगा? एक पे ऊपर सीएल लगाया, एक पे बीआर लगाया, दोनों ही ग्रुप 17 के हैलोजन्स हैं। तो ये मैंने एग्जांपल बताए हैं स्टूडेंट, ये वो सॉल्यूशन है जो आइडियल है और जो ओबे करते हैं राउल्ट्स लॉ को। आपने नोट कर लिया स्टूडेंट्स? नहीं सर, एक मिनट। एग्जाम्पल होते हैं जरूरी, स्टूडेंट एग्जाम में एग्जाम्पल पूछता है कि आर दे आइडियल नॉन आइडियल, ये पूछेगा, तो नोट कर लो, इनको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स। अब देखो कि हम ये पूछेगा कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। इनके पास दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, यहां पे मैंने क्या लिखा, टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। भाई दो ए और बी हैं, दोनों के अट्रैक्टिव इंटर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो सेम आती हैं, क्या उनमें हीट निकलेगी जब मिक्स करेंगे? जल्दी से बताओ, क्या उनको अंदर कोई एंथैल्पी चेंज होगी, यस और नो? भाई इसको और इसको मिक्स कर रहा हूँ, दोनों अगर दोनों सिमिलर है तो नहीं होगी, नहीं होगी। तो इनका डेल्टा मिक्स एंथैल्पी जो है, डेल्टा मिक्स एंथैल्पी जीरो होगा, द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्योर कंपोनेंट्स टू फॉर्म सॉल्यूशन इज जीरो। क्या होना चाहिए? जीरो, ठीक है। कोई भी ना तो हीट निकली है ना हीट एब्जॉर्ब हुई है, क्योंकि इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन सेम है, ना कम हुई है ना ज्यादा हुई है, तो उनमें डेल्टा एच जीरो हो गया। बोलो सही है या गलत है, जल्दी बताओ। तो इनमें कोई हीट चेंज नहीं हुई, एंथैल्पी चेंज जीरो है। दूसरा, क्या इनके वॉल्यूम में कोई चेंज आएगी? दोनों सेम है इंटरेक्शन। मैंने ये कह रहा हूं कि 10 मिलीलीटर इसका लिया और 10 मिलीलीटर इसका लिया, तो टोटल वॉल्यूम जब दोनों को 10-10 मिला दिया तो टोटल कितना बनेगा? 20 मिलीलीटर। 20.1 तो नहीं बना, 19.9 तो नहीं बना, कम भी नहीं हुआ ज्यादा भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स बराबर रही। अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो जाती तो वो नजदीक आ जाते मॉलिक्यूल्स, तो वॉल्यूम कम हो जाता। अट्रैक्टिव फोर्स वीक होती तो वो दूर चले जाते, तो वॉल्यूम बढ़ जाता, वॉल्यूम बढ़ जाता। लेकिन आइडियल सॉल्यूशन में क्या हुआ कि वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जो है वो जीरो है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने बताई है स्टूडेंट कि फॉर आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा मिक्स एच इज जीरो एंड डेल्टा मिक्स वॉल्यूम जीरो। सो देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम व्हेन यू मिक्स आइडियल सॉल्यूशंस, दो सॉल्यूशंस इन विच द इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन इज सेम एज द इंटरेक्ट प्योर इंटरेक्शंस ऑफ ए ए एंड बी बी, देयरफॉर द डेल्टा वी मिक्सिंग इज जीरो, डेल्टा एच मिक्सिंग इज ऑल्सो जीरो। बोलो बात समझ में आई, कोई डाउट? नहीं सर। तो फिर इसको नोट कर लो, यहाँ पर ये लेक्चर खत्म हो रहा है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम बताएंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं और किस टाइप की डेविएशंस होती है। आपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया और आपने सॉल्यूशन पढ़ लिया, एक आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, उनकी कंडीशंस और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये पेपर में आ चुका क्वेश्चन, और एग्जाम्पल भी पढ़ लिया। एग्जाम्पल बहुत पूछता है एग्जाम में, एग्जाम्पल बताओ। तो आपने एग्जाम्पल नोट कर लिए हैं और इनकी प्रॉपर्टी कौन सी, दो बताई जल्दी से बताओ, कौन सी दो प्रॉपर्टी बताई? उनका जब मिक्स करते हैं तो वॉल्यूम सेम रहती है और हीट जनरेट नहीं होती है। तो फार्मूला क्या दिया मैंने, फार्मूला लिखना पड़ता पेपर में, डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू जीरो और डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है फिर, ओके, मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। आपने नोट कर लिया सारा? हाँ जी सर। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू सर, नेक्स्ट क्लास में। ओके।